हेलो फ्रेंड्स, सो आज मैं आपके साथ जुकनी की एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं जुकनी की सब्जी बनाने जा रही हूँ। वैसे इसकी और भी डिशेस बनती हैं, लाइक जुकनी फ्लिटर्स या पकौड़े भी बनते हैं, लेकिन मैं इसकी सब्जी बनाऊंगी। जुकनी जो होती है वो फाइबर और वाइटमिन सी में काफ़ी ज़्यादा रिच होती है। सो चलिए देखते हैं कि मैं इसकी सब्जी कैसे बनाती हूँ। सो ये देखिए, अब मैंने जुकनी जो है वो बारीक चॉप कर ली है, साथ में मैंने मिर्ची और जो गार्लिक है वो भी बारीक काट के डाल रख दिया हुआ है। इसमें मैं अनियन नहीं डालूंगी, आप चाहे तो अनियन डाल सकते हैं, पर आई थिंक बिना अनियन के जो सब्जी होती है वो ज़्यादा अच्छी बनती है, उसमें मिठास कम आती है क्योंकि जुकनी थोड़ी मीठी होती है। इधर मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, और इसमें अब मेरी कढ़ाई ऑलमोस्ट गर्म हो गई है। मैं इसमें ऑयल डालूंगी। मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हमारा ऑयल अब गर्म हो गया है। मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच जीरा और जीरे को चटकने दूंगी। साथ ही साथ मैं इसमें जो मैंने बारीक गार्लिक चॉप करके रखा था वो डाल दूंगी और बारीक कटी हुई चिली डाल दूंगी। ये देखिए हमारी जो चिली और जो गार्लिक है वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा रेड हो गया है, भुन गया है। अब इसमें सब्जी ऐड करूंगी, जुकनी। और इसको मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा स्वाद के अनुसार सॉल्ट ऐड करूंगी। जितनी आपकी क्वांटिटी है उसके हिसाब से आप सॉल्ट ऐड कर लीजिए। और थोड़ा सा मैं इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डालूंगी। और इसको मिक्स कर दूंगी। थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी भी ऐड करूंगी। अब मैं इसे ढक के कम से कम 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पकाऊंगी। सो ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए हैं, तो आइए देखते हैं कि हमारी सब्जी पकी कि नहीं। सो ये देखिए हमारी सब्जी ऑलमोस्ट पक गई हुई है, और मैं इसे अब धनिया से गार्निश करूंगी। तो देखिए अब सब्जी ऑलमोस्ट पक गई हुई है और रेडी टू सर्व है। आप इसे चपाती या पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।